नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं हेल्थ इंडिया। आज हम जानेंगे कि हमें प्यास क्यों लगती है। पानी की जरूरत हम सबको है, तभी तो हमें रोज दिन के 8 ग्लास पानी पीने की सलाह दी जाती है। आपने और हमने यह कहावत भी सुनी है कि जल है तो जीवन है, यानी कि हम पानी के बिना कुछ भी नहीं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमें प्यास क्यों लगती है? नहीं ना, तो चलिए आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कहा भी जाता है कि जल है तो जीवन है, ऐसे में शरीर के लिए पानी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पर्याप्त मात्रा में शरीर को पानी ना मिले तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। जानते हैं कि शरीर में पानी की अहमियत से जुड़ी कुछ दिलचस्प फैक्ट्स और इस सवाल का जवाब भी कि हमें प्यास क्यों लगती है। हमारे शरीर के कुल वजन का करीब 70% पानी होता है। हमारा शरीर पानी के जरिए ही एसिड बेस का संतुलन बनाता है। शरीर में मौजूद पानी की पर्याप्त मात्रा के जरिए ही ग्लूकोज और अन्य पोषक तत्व शरीर की हर कोशिकाओं तक पहुंच पाते हैं। पानी की वजह से ही रक्त का पीएच स्तर बना रहता है, नसों का काम और दिमाग और शरीर के अन्य अंगों के बीच संतुलन बनाए रखने में भी पानी की अहम भूमिका होती है। प्यास लगना एक पूरी प्रक्रिया है। शरीर में 1% अगर पानी की कमी होती है तो हमें प्यास महसूस होने लगती है। जब यही कमी बढ़ने लगे तो इसका असर हमारे तबीयत पर भी पड़ने लगता है। आपको बता दें कि जब शरीर में पानी का स्तर कम होता है तो हमारे मस्तिष्क को सूचना मिलती है। ये सूचना मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से जुड़े रिसेप्टर के जरिए मिलती है। इससे हमें प्यास महसूस होती है। यदि काफी समय तक हम प्यास लगने के इस संकेत को नजरअंदाज करते हैं तो हमारा गला सूखने लगता है और हमें चक्कर आने लगते हैं। अगर आप ऐसे में पानी नहीं पीते हैं तो आप पानी की कमी से बेहोश भी हो सकते हैं। हमारे शरीर में सिर्फ 1% पानी की कमी होती है तो हमें प्यास महसूस होने लगता है। 10% में तब्दील हो जाए तो इंसान की मौत भी हो सकती है। सोचिए, सिर्फ 10% की वजह से ही हमारी मौत हो सकती है। जानकारों के मुताबिक पानी शरीर के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए शरीर में समय समय पर प्यास लगने का ये मैकेनिज्म विकसित होता है। शरीर में एसिड बेस बैलेंस बहुत जरूरी है। यदि इसमें बदलाव आता है तो यह जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। पानी की कमी से चक्कर आए या अन्य कोई समस्या हो तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट लें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। खास तौर पर गर्मी के मौसम में पानी में नमक और चीनी मिलाकर पिए। इससे शरीर में पानी का स्तर बना रहता है और डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं होती है। तो देखा आपने, हमारे शरीर में पानी की अहमियत कितनी है। अगर पर्याप्त मात्रा में हम पानी ना पिए तो हमारी मौत भी हो सकती है। तो आप भी पानी पीते रहें और अपने शरीर को हाइड्रेट रखें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। हेल्थ संबंधित अन्य जानकारी के लिए हेल्थ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हेल्थ इंडिया के वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।